राधे राधे दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं कॉफ़ी टेबल या फिर रूम डेकोर। सबसे पहले हमारे पास एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है पेपर के ऊपर, जिसकी लेंथ 20 इंचेस और ब्रेथ जो है वो 7 इंचेस है। फिर हम थर्मोकोल की एक शीट के ऊपर इस पेपर के ऊपर ड्रा किए हुए पैटर्न को ग्लू की हेल्प से अच्छे से चिपका लेंगे। इस पैटर्न को थर्माकोल पर चिपकाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है पॉटी टूल की हेल्प से थर्माकोल की शीट पर इसे अच्छे से कट करना। इनर सरफेस को निकालने के बाद हम थर्माकोल के बैक साइड के ऊपर ग्लू लगाकर इसे हम कार्ड पेपर के ऊपर अच्छे से चिपका देंगे। फिर हम इसके पैटर्न के इनर सरफेस को फिर दोबारा से अंदर रखेंगे और मार्कर की हेल्प से एम्प्टी स्पेसेस के निशान लगा लेंगे और बाद में हम इसे भी रिमूव करके स्पेसेस को चिपका देंगे। ग्लू की हेल्प से हमने जहाँ जहाँ पर मार्क लगाए हैं वही थर्माकोल का पार्ट जो है हम यहाँ पर दोबारा से पैटर्न के अंदर चिपका देंगे। इसके बाद हमें कॉफ़ी टेबल का बॉटम और अपर पार्ट जो है प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हमें दो सर्कुलर डायामीटर चाहिए, एक तो 9.5 सेंटीमीटर और एक अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर डायामीटर का सर्कल। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर व्हाइट सीमेंट का जो पेस्ट बना लेंगे वाटर ऐड करके, और उसको अच्छे से हम फिल कर देंगे जो हमने पैटर्न चिपकाया था कार्ड पेपर के ऊपर। इसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से फैला लेंगे। फिर इसके बाद हम 9.5 और 12 सेंटीमीटर डायामीटर का जो सर्कल है उसके अंदर भी हम अच्छे से वाइट सीमेंट का जो पेस्ट है उसको फिल कर देंगे और इन दोनों पैटर्न्स को भी अच्छी तरीके से सूखने के लिए रख देंगे। इसे हम लगभग 6 से 7 घंटे के लिए सूखने के लिए रखेंगे। जब 6 घंटे बाद ये सूख जाए तो हम थर्माकोल एक्स्ट्रा थर्माकोल को रिमूव कर देंगे। इसके बाद पॉटरी टूल की हेल्प से एक्स्ट्रा सीमेंट जो लगा हुआ है पैटर्न में हम उसको रिमूव कर लेंगे और सैंडपेपर की हेल्प से इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस ले आएंगे। नेक्स्ट जो हमने 2 डायामीटर के सर्कुलर पार्ट जो बनाए हैं हम उनके भी थर्माकोल को रिमूव कर देंगे। दोनों सर्कल में कुछ होल छोड़ना ज़रूरी है ताकि हम इन तीनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर सकें। फिर इसके बाद पॉटरी टूल और सैंडपेपर की हेल्प से हम इसके अंदर स्मूथनेस लाएंगे और जो हमने पैटर्न ड्रॉ करा है उसको अच्छे से हाईलाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉटरी टूल एंड सैंडपेपर। पैटर्न को हाईलाइट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसके ऊपर काली कलर का यूज़ करेंगे, हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम कॉफ़ी टेबल के बेस के लिए जो हमने पैटर्न बनाया था उसको सैंडपेपर और पॉटरी टूल की हेल्प से सर्कुलर शेप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब इसका बॉटम का पार्ट और पैटर्न जो है हम उन दोनों को जॉइन कर देंगे और वाइट सीमेंट की हेल्प से इन दोनों को अच्छे से स्टिक कर देंगे और इसे सूखने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे तक रख देंगे। इसी तरीके से हमने जो 12 सेंटीमीटर डायामीटर का सर्कल बनाया था उन दोनों पैटर्न्स को भी हम अटैच कर देंगे और इसका अपर पार्ट प्रिपेयर कर देंगे और एक्स्ट्रा जो हमारी सीमेंट लगी हुई है उसको हम रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पॉटरी टूल एंड सैंडपेपर की हेल्प से पैटर्न को स्मूथ कर देंगे।
अब कोई भी एल्काइलिक कलर ले लीजिए और उससे इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से पेंट कर दीजिए और सूखने के लिए 3 से 4 घंटे तक रख दीजिए। लास्ट स्टेप के अंदर जब ये सूख जाए तो हम इसके ऊपर ग्लॉसी वार्निश का यूज़ करेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी शाइनिंग एंड फिनिशिंग आ जाए।